बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिनर टुनाइट। व्यूअर्स, आज जो डिनर में हम बनाने जा रहे हैं वो है वाइट लोबिया, और ये बड़ी यूनिक सी रेसिपी मैं बनाऊंगी। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, आपने ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी, और टेस्ट में ये ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म का बनता है। अच्छा, ये 2 कप के करीब मैंने लोबिया लिए थे, इसको मैंने 2 से 2.5 घंटे, अच्छा मैंने मीठा सोडा डाल के इसको भिगो दिया था ताकि ये अच्छा सा आगे चल के कुक हो जाए। अच्छा, 2 से 2.5 घंटे और मीठा सोडा 1 पिंच डाला था मैंने। अच्छा, इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, मीडियम साइज़ के थे, ठीक है, ये 3 टमाटर लिए। इसी तरह 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको चॉप कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा ये फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश धनिया मैंने लिया है, हरा धनिया लिया है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसी तरह आप हरी मिर्च देख सकते हैं, ये तकरीबन 10 से 12 अदद है, और मैंने जैसे पहले भी बोला हुआ है कि हरी मिर्च आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो 10 से 12 मैंने ये मोटे मोटे काट लिए हरी मिर्च, लास्ट में डलेगी ये। इसके अलावा हमने जो है स्पाइसेस में अगर हम देखें तो मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, और ये 1/2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इसके अलावा इसके जो टेस्ट को इन्हांस करने वाली चीज़ है वो है साबित गरम मसाला, और उसमें भी ये बादियान का फूल, ये 2 अदद डाल रही हूँ, इसकी वजह से जो फ्लेवर होगा आप देखेंगे उसका लेवल ही कोई अलग होगा। 2 तेज़पात लिए हैं, 1 मैंने दालचीनी की स्टिक लिए है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा, साबित ज़ीरा लिया है वाइट वाला, 1 बड़ी इलायची यानी काली इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग। इसके अलावा लास्ट में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और ये देखें जी, चुटकी भर मैंने, पिंच के करीब मैंने, यानी चुटकी भर मैंने मीठा सोडा लिया है जो उसको गलाने के अच्छे से काम आएगा, ठीक है। चलते हैं फर्दर प्रोसीजर की तरफ। हमने तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। अच्छा, ऑयल का ये है कि मैं थोड़ा शायद ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो आप अगर चाहें तो 1 कप से कम थोड़ा ले सकते हैं। मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है, ठीक है, इसको अच्छा सा गर्म कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे पहले मैंने प्याज शामिल कर दी, सही है, प्याज शामिल कर दी, इसको थोड़ा सा हम ट्रांसल्यूसेंट से इसको तकरीबन गोल्डन पिंक या गोल्डन कलर में इसको लेकर आएंगे, ठीक है। इसको हम तकरीबन 1-2 मिनट हमें लगेंगे, अच्छा सा हम इसको पिंक कलर में लेकर आते हैं। तो इसको हम जी अभी चला रहे हैं, ऑयल गर्म हो रहा है। अच्छा जी, ये देखें प्याज हमारी पिंक कलर हो चुका है इसका, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डालने लगे हैं जी, ज़ीरा, बादियान का फूल और तेज़पात, ये हमने शामिल कर दिए इसके अंदर। इसके अलावा काली इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची यानी लौंग, ये हमने शामिल कर दिया जी। बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और शेयर ख़ास तौर से करें, ठीक है, ज़रूर शेयर करें। ये हो गया जी। अच्छा जी, अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करें। चलें जी, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल हो गया है इसके अंदर। अब हम अदरक लहसुन को थोड़ा सा स्टिर कर लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था मैंने। इसके अलावा ये टोमेटोस, ये हमने शामिल कर दिए। अब टोमेटोस में क्या करना है कि टोमेटोस को हमें, टमाटरों को हमें सॉफ्ट करना है, तो हम इसको सॉफ्ट करते हैं, हम इसको ज़रा लेट से कवर कर देते हैं फॉर अबाउट 1 मिनट, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, फिर हम मसाले शामिल करते हैं इसके अंदर जी। फॉर अबाउट 1 मिनट हमने इसको लिड को कवर कर दिया था। टमाटर हमें सॉफ्ट करने हैं, अभी भी इसमें कसर है, थोड़ा सा फर्दर और सॉफ्ट कर लेंगे। अच्छा ये देखें जी, ये हमारे स्पाइसेस चले गए, स्पाइसेस थोड़ा सा भून रहे हैं। इसी वक्त आपको जो है ना बादियान के फूल की जो खुशबू और अरोमा आएगा ना, वो ज़बरदस्त। और कोशिश करें कि अदरक लहसुन जी ताज़ा लें। ये देखें जी, हमारा कितना ज़बरदस्त सा मसाला तैयार है। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है आप जब लोबिया शामिल करेंगे तब भी अच्छा सा कुक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लोबिया टेक्स टाइम, सही है जी। टमाटरों पे आप थोड़ा मारते रहें मसाला, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा
जल ना जाए, तो हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल किया है और उसको अच्छा सा, जी टमाटरों को ख़ास तौर से आप जो है ना क्या करें, इसके ऊपर स्पैचुला को मारें ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और हमारा मसाला भी भून रहा है। अच्छा जी ये देखें, ये हम जी टमाटरों पे हमने मारा, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा लुक है इसका। ट्रेडिशनल स्पाइसेस के साथ हम इसको बना रहे हैं। चलें जी, अब हम इसमें अपने लोबिया शामिल करते हैं। ये हमारे लोबिया आ गए, ठीक हो गया जी, ये हमारे लोबिया इसके अंदर शामिल हो गए। इसी में जो प्याज और टमाटर हमने डाला है इसी के साथ, क्योंकि कुक हो जाएगा, क्योंकि लोबिया को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है जी। और इसको आपने जो कुक करना है ना वो लो फ्लेम पे करना है। ज़बरदस्त सी रेसिपी जी आपको दे रही हूँ, उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे, दुआएं देंगे और आप कमेंट से बताइएगा आपने बनाया और आपको कैसा लगा। इस पॉइंट पे मैंने पानी शामिल कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये तकरीबन समझ लें कि 1 लीटर के करीब मैंने पानी शामिल किया है। फ्लेम करेंगे लो, इसके अलावा हमने जो मीठा सोडा पिंच लिया था वो भी इसमें शामिल करेंगे ताकि ये अच्छा सा गल जाए, ठीक है। अब ये देख सकते हैं इसी मोमेंट पे जी खुशबू भी आ रही होगी, बादियान का जो फूल है ना वो समझ लें जी की इंग्रेडिएंट है इसका, वो ज़रूर डालिएगा, लाजमी डालिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। फ्लेम करते हैं हम बिल्कुल लो, ठीक है, फ्लेम कर दिया है लो और इसको लिड को कर दिया हमने कवर। मिलते हैं आपसे 35 to 40 मिनट्स बाद। अच्छा जी ये देखें जी, आफ्टर 40 मिनट्स, ठीक 40 मिनट्स हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा सा गल चुका है, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसको ये देखें जी, मैंने दिखा दिया कि ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। ग्रेवी आपके ऊपर है कि आप जितनी रखनी चाहें, मैं इतनी काफ़ी है, रोटी के साथ, पराठे के साथ, खासतौर से पराठे के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये देखें जी चाट मसाला ऐड हो गया एंड में, ये देखें गरम मसाला हमने ऐड कर लिया इसके अंदर। अच्छा जी अब इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल हो गई, ठीक है, चूल्हा हम कर लेते हैं थोड़ा तेज़, हरी मिर्चें शामिल हो गई और ये धनिया इस पॉइंट पे हमने आधे से ज़्यादा शामिल कर दिया, ठीक हो गया जी। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, चूल्हा स्लो करते हैं अगेन और इसको फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स इसको दम पे लगाते हैं ताकि जी अच्छा सा ऑयल ऊपर आ जाए और जो हरी मिर्चें हमने डाली है ना। अच्छा एक बात खास आपको बता दूँ, इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, एक वो धनिया, हरी मिर्च और ये जो बादियान के फूल आपको नजर आ रहे हैं, ये की इंग्रेडिएंट्स है लोबिये का, इससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर एनहांस होगा। और अब आपसे मिलते हैं आफ्टर 2 मिनट्स। अच्छा जी ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त से वाइड लोबिया, आप शक्ल देखें कितनी आउटस्टैंडिंग ऑसम शक्ल है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। इसको हम गार्निश कर देते हैं फर्दर हरे धनिया से, वैसे तो नीड नहीं है क्योंकि हमने काफ़ी डाल दिया था धनिया, और धनिया ज़रूर इसमें डालिएगा, इसकी जान है धनिया। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर, और उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, अल्लाह हाफिज़।